दुनिया तक पर टॉप फाइव में देखिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में सोमवार को कहा है कि समय आ गया है जब पाकिस्तान को उसके प्रायोजित आतंकवाद के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। भारत ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद से आग्रह किया कि वो पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अपमानजनक मानवाधिकार रिकॉर्ड और भेदभावपूर्ण नीतियों पर तुरंत ध्यान दे। पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान के जवाब में मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र में एजेंडा आइटम 4 के तहत अपने राइट टू रिप्लाई का प्रयोग करते हुए भारत ने खासकर बलूचिस्तान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान को दूसरे देशों को नसीहत देनी बंद कर देनी चाहिए और देश में लाखों पीड़ितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान देना चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के आखिर में भारत आ रहे हैं। बोरिस जॉनसन को भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद बोरिस जॉनसन की ये पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। बोरिस जॉनसन की इस यात्रा से भारत ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। नॉर्थ कोरिया ने बाइडेन प्रशासन में भी अमेरिका को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। किम जोंग उन की बहन ने अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका अगले 4 साल चैन की नींद सोना चाहता है तो अमेरिका को नॉर्थ कोरिया को उकसाने से बाज आना चाहिए। किम यो जोंग का बयान मंगलवार को ऐसे समय आया है जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन उत्तर कोरिया और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में अपने सहयोगियों जापान और दक्षिण कोरिया से बात करने पहुंचे हैं। म्यांमार में तख्ता पलट करने वाली सेना ने देश में मार्शल लॉ को बढ़ा दिया है। सेना ने शहर यंगून की 6 टाउनशिप्स में मार्शल लॉ कानून लागू कर दिया है। आंग सांग सूची की सरकार का तख्ता पलट करने के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को काबू करने के लिए की जा रही सख्त कार्रवाई और रविवार को सुरक्षा बलों द्वारा दर्जनों प्रदर्शनकारियों के मारे जाने के बाद सैन्य शासन ने ये कदम उठाया है। प्रदर्शन के लिहाज से रविवार सबसे खूनी दिन रहा। अब तक म्यांमार के विरोध प्रदर्शनों में 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इटली के शहर मिलान में कोरोना मामलों में आए जबरदस्त उछाल के बाद सोमवार से अगले 23 दिनों तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक पूरे देश में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है। हाल ही के दिनों में यहां कोरोना मामलों की संख्या में काफी तेजी आई है। वहीं नीदरलैंड्स में लॉकडाउन और कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।